रियल एनालिसिस के लेक्चर 2 में हमारी रियल एनालिसिस की प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि रियल नंबर कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होता है, फील्ड प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करते हैं, और सेकंड जो है वो रियल नंबर ऑर्डर प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करता है। इसके आगे फील्ड प्रॉपर्टीज और ऑर्डर प्रॉपर्टीज हमने वन बाय वन डिस्कस किया, और उसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी दिए थे। अभी हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी या रियल नंबर डिस्कस करने वाले हैं। ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर डिस्कस करने जा रहे हैं। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर से पहले हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड को डिस्कस करेंगे। जैसे कोई रियल लाइन है आपके पास, रियल लाइन यहाँ जीरो होता है और इस साइड में माइनस इंफिनिटी और यहाँ पे प्लस इंफिनिटी होता है। रियल नंबर में आप कोई भी इंटरवल कंसीडर करें, 1 से 2 तक, ये आर का सबसेट होता है। रियल नंबर में जितने भी इंटरवल हैं वो आर के सबसेट होते हैं, या फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर कोई डिस्क्रीट सेट तो वो भी रियल नंबर का सबसेट होता है। 3, 4 ये डिस्क्रीट सेट है, ये रियल नंबर का सबसेट है। अभी देखिए जो ओपन इंटरवल 1, 2 है ये बाउंडेड, अपो साइड से भी ये बाउंडेड, बिलो साइड से बाउंडेड, इसके अपर बाउंड कौन से, ये बाउंडेड, यानी 2 और 2 से आगे जितने एलिमेंट हैं ये इसके अपर बाउंड, 2, 3, 4 से प्लस इंफिनिटी तक जितने भी एलिमेंट इसके अपर बाउंड है, और 1 से बिलो माइनस इंफिनिटी तक जितने भी एलिमेंट है ये इसके लोअर। तो जितने भी रियल नंबर है अगर बाउंडेड अबो है, बाउंडेड अगर इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, तो जो अपर बाउंड है वो ऑल एलिमेंट ऑफ सबसेट ऑफ आर से ग्रेटर होगा, यानी ये इंटरवल 1, 2 जो है वो रियल नंबर का एक सबसेट है। अगर ये बाउंडेड अबो है तो जो इस सबसेट को हम एस नाम देते हैं, और जो सुमार एस एक एलिमेंट है वो बिलोंग करता है 1, 2 से। इसके जो अपर बाउंड है जितने भी अपर बाउंड उनको हम जू नाम देते हैं, वो हमेशा इक्वल और ग्रेटर होते हैं स्मॉल एस, जो सेट के एलिमेंट होते हैं अपर बाउंड ग्रेटर होता है। और सिमिलरली एक एलिमेंट यू को हम लोअर बाउंड कहते हैं, वी को आप कहें लोअर बाउंड, तो एस के जितने भी एलिमेंट हैं वो लोअर बाउंड से इक्वल या ग्रेटर, जो लोअर बाउंड है उससे एस के एलिमेंट ग्रेटर है। तो यही बात डिफिनेशन में, सपोज इफ ये नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का जो ओपन इंटरवल ए बी भी हो सकता है या डिस्क्रीट सेट भी हो सकता है, इफ यू बिलोंग टू आर, जो जरूरी नहीं है कि ये अपर बाउंड से या एस से बिलोंग करे, जो सबसेट है उससे बिलोंग करना जरूरी नहीं है, उससे बिलोंग भी करता है। जैसे आप क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल लेते हैं तो इसमें जो अपर बाउंड है वो बिलोंग करता है। तो अगर आपके पास कोई एस नॉन एम्प्टी सबसेट है, इसमें नॉन एम्प्टी होना जरूरी है, एम्प्टी के लिए फिर ये कंडीशन होल्ड नहीं करती, इसके लिए डिफरेंट ये ट्रिवियल केस बन जाता है। यप यू बिलोंग टू आर है, वो जरूरी नहीं है कि सेट एस से बिलोंग करे, यू आर में से होना चाहिए उसको हम अपर बाउंड कहते हैं। आर का कोई भी एलिमेंट वो अपर बाउंड हो सकता है, कब हो सकता है, फॉर एस इफ एस इज इक्वल आर लेस देन यू फॉर आर एस बिलोंग एस, यानी एस जो जो सेट नॉन एम्प्टी सेट एस है उसके जितने भी एलिमेंट हैं वो यू से लेस हों, लेस होंगे, तो हम उस वक्त कह सकते हैं कि यू अपर बाउंड होगा। जाहिर सी बात है जैसे मैंने डिस्क्रीट सेट 1, 2, 3, 4 लिया है, तो ये 4 से बाकी एलिमेंट जो है वो को मैं सेट ए नाम देता हूँ, ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनको एस कहते हैं, जितने भी एलिमेंट हैं वो 4 से लेस, 4 इसका अपर बाउंड होगा। अभी ये सारे देखे 5 से भी ले 6 से भी ले 7 से भी ले, ये सारे इसके अपर बाउंड, अगर एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करे तो इनफाइनाइट मेनी अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं।
सिमिलरली यहाँ पे देखें, वन इसका लवर बोन, एस के सारे एलिमेंट वन से ग्रेटर सेट के, जितने भी एलिमेंट थे वन से ग्रेटर, वन के बाद जीरो, माइनस वन भी इसका लवर बोन, जितने भी एलिमेंट जो वन एस के एलिमेंट सेट के एलिमेंट से लेस थे वो एस से लवर बोन फिट करते, यानी एस यू बिलोंग टू आर, इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, यू बिलोंग टू आर इज लवर बोन फॉर एस इफ एस इज इक्वल आर ग्रेटर देन यू, एस जो है वो फॉर ऑल एस बिलोंग टू एस, एस जो है वो इस सबसेट से बिलोंग करता है, एस के जितने भी एलिमेंट यू से ग्रेटर हो तो यू लवर बोन, अगर एस के एलिमेंट यू से लेस होंगे तो यू अपर बोन। और थर्ड कंडीशन डिफिनेशन देखे, सबसेट एस इज सेड टू बी बाउंडेड अबोव इफ एस एस अपर बोन, जब सेट का अपर बोन एग्जिस्ट करेगा तो ये बाउंडेड अबोव, जैसे आपके पास एक एलिमेंट माइनस इंफिनिटी टू ए, इसको मैं माइनस इंफिनिटी टू ए को वन रखता हूँ, इसमें देखे अपर बोन एग्जिस्ट करता है, लेकिन लोअर बोन क्या है मैं पता ही नहीं, क्योंकि कोई रियल नंबर इसका लोअर बोन है ही, माइनस इंफिनिटी रियल नंबर नहीं है ना, इसलिए माइनस इंफिनिटी तक आप जाए कोई रियल नंबर लोअर बोन एग्जिस्ट ही नहीं, जबकि अपर बोन में वन एग्जिस्ट करता है, उसके बाद वन के अलावा टू भी एक अपर बोन है, थ्री भी अपर बोन है, फोर भी अपर बोन है, यानी प्लस इंफिनिटी तक जितने रियल नंबर हैं वन से लेकर वो अपर बोन, तो बाउंडेड अबो होगा कोई सेट तो इसका अपर बोन एग्जिस्ट करेगा, अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो जैसे वन से इन्फिनिटी उसका लोअर बोन, बाउंडेड बिलो है तो लोअर बोन एग्जिस्ट करेगा, यानी वन से माइनस इन्फिनिटी तक सारे इसके लोअर। उसके बाद देखिए सेट को हम बाउंडेड कब कह सकते हैं, अभी बाउंडेड अबो बाउंडेड बिलो पढ़ लिया, बाउंडेड कब कह सकते हैं, जब ए सबसेट एस इज सेड टू बी बाउंडेड इफ इट हैज इफ इट इज बोथ बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबो, कोई भी सबसे किसी भी सेट में जब अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो हम उस सेट को कहते हैं ये बाउंडेड सेट। जैसे एग्जांपल में देखें कि कंसीडर ए फाइनाइट सेट, जरूरी नहीं है कि फाइनाइट सेट हो, डिस्क्रीट फाइनाइट सेट हो, 3, 5, 7 और 8, इसमें देखें इसका लोअर बाउंड 3 है और इसका अपर बाउंड 8, लोअर बाउंड की डिफिनेशन क्या है, एस के सारे एलिमेंट उस नंबर से ग्रेटर, यानी एस के सारे एलिमेंट इक्वल या ग्रेटर वो लोअर बाउंड होता है, 5, 7, 8 से 3 के साथ, 3 जो है वो एस के बाकी एलिमेंट से इक्वल है या लेस है, तो इसलिए इसका लोअर बाउंड भी है। अभी 8 देख, 8 एस के सारे एलिमेंट से ग्रेटर है या इक्वल है, इसलिए ये इसका अपर बाउंड, इस सेट में लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एक वो आपके पास बाउंडेड होता है। इसी तरह से आप नेचुरल नंबर देखिए, 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका कोई अपर बाउंड मौजूद नहीं, इसका लोअर बाउंड मौजूद है, क्योंकि इसको हम लोअर बाउंड कह सकते हैं, इसको लोअर बाउंड को यू यू कह सकते हैं, नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट है वन से लेस या इक्वल, इसलिए इसका लोअर बाउंड। अभी आर बाउंडेड है कि नहीं, आर क्या होता है, आर माइनस इन्फिनिटी प्लस इंफिनिटी तक होता है, और हमारे पास अनबाउंडेड होता है, अनबाउंडेड इसलिए होता है इसका ना कोई अपर बाउंड है ना लोअर बाउंड, कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो रियल नंबर के सारे एलिमेंट से ग्रेटर हो, और कोई ऐसा रियल नंबर माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है जो रियल नंबर के सारे एलिमेंट से लेस हो, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सेट ऑफ रियल नंबर अनबाउंडेड। इसी तरह देखिए जो सेट से 3, 5, 7, 8, इसमें 8 अपर बोन है इसका, क्योंकि ये सारे एलिमेंट से अबो है, तो 8 से ग्रेटर कोई भी नंबर आप चूज करें, 8.1, 8.2, 9, 10, 11 से लेके इनफाइनाइट नाइट तक ये सारे अपर बोन, अगर एक अपर बोन एग्जिस्ट करे तो इनफाइनाइट मेनी अपर बोन एग्जिस्ट करते हैं, ये कंक्लूजन हम ड्रा करते हैं। इसी तरह 3 इसका लोअर बोन है, फिर लोअर बाउंड है क्योंकि ये एस के तमाम एलिमेंट से ग्रेटर है, तो 2.9 भी लोअर बाउंड होगा, 2.9
भी लव और बॉन्ड होगा, क्योंकि इसके एलिमेंट टू से ग्रेटर है, जीरो भी लव और बॉन्ड होगा। इसी तरह माइनस इन्फिनिटी तक जितने एलिमेंट है वो लव और बॉन्ड। इससे हम ये कंक्लूजन ड्रा करते हैं कि इफ ए सेट हैज ए लव और बॉन्ड देन इट हैज इनफाइनाइटली मेनी लव और बॉन्ड। एक लव और बॉन्ड एग्जिस्ट करे तो उसके इनफाइनाइट मेनी लव और बॉन्ड एग्जिस्ट करे। और उसके बाद जो नेक्स्ट कंक्लूजन है वो ये है कि एन अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड ऑफ सेट इस मे और मे नॉट बिलोंग टू सेट, यानी अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड सेट से बिलोंग कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। अभी जो ऊपर एग्जाम्पल दी एफ इज इक्वल टू 3 5 7 है, इसका लोअर बॉन्ड सेट से बिलोंग करता है, अपर बॉन्ड भी सेट से बिलोंग करता है। इसी तरह सिमिलरली मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ, 1 2 क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल है, तो क्लोज एंड बॉन्डेड इसका अपर बॉन्ड 2 है, क्योंकि इस इंटरवल में जितने भी एलिमेंट है वो 2 से लेस है और लोअर बॉन्ड 1 है, और जितने भी एलिमेंट है वो 2 से ग्रेटर है, इसलिए ये लोअर। सिर्फ 1 लोअर बॉन्ड नहीं, 1 से लेस जितने भी एलिमेंट है वो लोअर बॉन्ड, 2 से ग्रेटर जितने एलिमेंट है वो अपर बॉन्ड। इसमें देखिए लोअर बॉन्ड 2 और सॉरी अपर बॉन्ड 2 और लोअर बॉन्ड 1 सेट से बिलोंग, लेकिन जब ओपन इंटरवल 1 2 रहता है उसमें 2 अपर बॉन्ड, क्योंकि 2 बाकी एलिमेंट से ग्रेटर है, 1 लोअर बॉन्ड ये बाकी एलिमेंट से लेस है सेट के, लेकिन ये ओपन इंटरवल है 1 लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड सेट से बिलोंग नहीं। ये जरूरी नहीं है कि लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड हमेशा सेट से बिलोंग। अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड हम सोल्व कैसे करते हैं कि कोई किसी सेट का अपर बॉन्ड है कि नहीं, वो सेट सोल्व इस तरह करते हैं कोई सेट से एक्स बिलोंग टू आर, एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2 है, यानी एक्स के जितने एलिमेंट वो 2 से लेस और इक्वल है। इसका मतलब ये सेट माइनस इनफिनिटी से 2 तक, तो इक्वल इक्वलिटी की का सिंबल भी, इसलिए हम 2 को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ से देखिए हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं, 2 जो है वो अपर बॉन्ड है क्योंकि एस इज इक्वल आर लेस देन 2 है। एस जो है वो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक जितने भी एलिमेंट है वो इस एस के फॉर ऑल एस बिलोंग टू एस, जितने भी एलिमेंट है वो 2 से लेस है या इक्वल, इसलिए ये 2 हमारे पास अपर बाउंड है। एंड एनी नंबर लार्जर देन 2, यानी 2 से ग्रेटर कोई भी नंबर वो अपर बाउंड होगा। बट नोट दैट देयर इज नो सच नंबर यू इन एस सच दैट यू इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू एस इक्वल टू यू, यानी कोई लोअर बॉन्ड इसमें मौजूद ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई नंबर में कोई रियल नंबर यू हमें मिल ही नहीं रहा, क्योंकि इस सेट के एलिमेंट उससे ग्रेटर हो ऐसा कोई नंबर मिल ही नहीं रहा, ये लोअर बॉन्ड नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपर बॉन्ड है। हम ये कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि इसके सिर्फ और सिर्फ अपर बॉन्ड है, लोअर बॉन्ड नहीं है। इसी तरह एक सेट से एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग टू आर, एक्स इज इक्वल आर ग्रेटर देन 2 है, तो इसको हम 2 से प्लस में भी तक लिखते हैं। यहाँ क्लियरली देखिए 2 इसका लोअर बॉन्ड है और 2 से लेस जितने भी एलिमेंट है वो भी लोअर है। ये लोअर बॉन्ड क्यों है? क्योंकि एस के जितने भी एलिमेंट हैं वो 2 से ग्रेटर या इक्वल है, इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो 2 से इक्वल या ग्रेटर है, इसलिए ये 2 इसका लोअर है। और 2 से लेस जितने एलिमेंट वो लोअर बॉन्ड होंगे, लेकिन इसका कोई अपर बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि हमें कोई यू ऐसा नहीं मिलेगा जो सेट के बाकी एलिमेंट से ग्रेटर हो। सेट के तमाम एलिमेंट से ग्रेटर ऐसा कोई रियल नंबर हमें मिल ही नहीं रहा प्लस इन्फिनिटी तक, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बाउंडेड लो है लेकिन बाउंडेड अबोव नहीं। उसके बाद है कंसीडर दिस सेट, इस तरह का एक सेट के एब्सोल्यूट वैल्यू की फॉर्म में, तो ये सेट होता है माइनस इनफिनिटी से -2 तक गुणा 2 से प्लस इनफिनिटी तक। इसमें देखें लोअर बाउंड क्या है, माइनस इनफिनिटी तक देखो कोई ऐसा यू हमें नहीं मिल रहा है जो सेट के तमाम एलिमेंट से लेस, कोई ऐसा यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इसका कोई लोअर बाउंड नहीं है। इसी तरह कोई ऐसा यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है जो सेट के तमाम एलिमेंट से ग्रेटर हो, इसका अपर बॉन्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम ये कंक्लूजन ड्रा करते हैं, अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड ऑफ ए सेट मे नॉट एग्जिस्ट, सेट के अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं भी करते, जरूरी नहीं है कि वो।
इसके साथ ये लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट में हम सुप्रीमा में मिनिमम प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, और ये सुप्रीमा प्रॉपर्टी को हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी भी कहते हैं। और रियल नंबर कंप्लीट ऑर्डर फील्ड तब होता है जब ये सुप्रीमम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई।